दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे अष्टोराघव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ भगवती दुर्गा की आप कृपा पाना चाहते हैं और आपके पूरे परिवार पर सदा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम तुलसी पूजा के एक बहुत ही पुरानी परंपरा है उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी की पूजा की परंपरा रही है। फिर वो चाहे किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी के घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही लाभ होता है, बहुत अधिक जो है लाभ पुण्य की प्राप्ति होती है, और हमारे जो है तुलसी पूजा करने से मन में शांति विराजमान रहती है, भगवान की विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी पूजा में महालक्ष्मी की कृपा मिली होती है। जिस घर में तुलसी जी की पूजा नियमित होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि विष्णु का निवास होता है, और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। पूजा में बहुत सारी जो है सामग्री नहीं लगती है, औषधियों में जो है तुलसी काम आती है। अगर किसी प्रकार की बीमारी हो, तुलसी के पत्ते का अगर हम सेवन करते हैं, हमारी सारी बीमारी नष्ट कर देती है। तुलसी के रस से बहुत ही बीमारियों का इलाज हो जाता है। ये घर में रहना बहुत ही शुभ मानी गई है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, उस घर में कभी जो है निगेटिव एनर्जी जो है नहीं प्रवेश कर सकती है। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। अपने घर के आंगन में रखें, आंगन में अगर जगह नहीं है तो कहीं भी रखें, घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही रखिएगा। प्रतिदिन जो है उसकी पूजा कीजिएगा, क्योंकि माँ तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियाँ जो है दूर हो जाती हैं, उससे मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और कारण बहुत ही जो है सरल है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को भी माँ जो है तुलसी बहुत ही प्रिय हैं, और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना माँ तुलसी से कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र पूरा हो जाती है। और जिसकी किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, शादी अगर नहीं होती, तुलसी का विवाह कार्तिक के महीने में होता है, अगर वो उसमें जाकर के शामिल होती है तो उसका जो है विवाह उसी साल में होना निश्चित हो जाता है, उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ तुलसी से कही गई प्रार्थना श्री जो है विष्णु भगवान के पास सीधी ही जाती है। मनोकामना जो मन में सीधी होती है, सीधी तरह से वो विष्णु भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए तुलसी जी को मनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तुलसी जो है हर मनोकामना पूर्ण कर देती हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि माँ तुलसी की पूजा करते समय जो है माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जब तुलसी जी की पूजा करें तो आपके पास कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। श्री हरि विष्णु से जो है आपकी फरियाद लग जाएगी, आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सभी प्रकार के दोषों और पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो है सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाता है। घर में अगर परेशानी रह रही है तो माँ तुलसी जो है उनकी पूजा करने से पर जो है भगवान विष्णु को जो है यह पूजा प्राप्त हो जाती है, और पारिवारिक में जो है सुख समृद्धि आती है। माँ तुलसी के पूजा के बहुत ही लाभ हैं, अनेकों लाभ अगर गिनाएंगे तो बहुत ही जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम बहुत सी जानकारी देंगे। आज जो है तुलसी माता की फिर भी हम पूरी जानकारी बताएंगे, कोशिश करेंगे जितना हमारे को पता है सारी चीज़ जो है हम आपको बता देंगे। पूरा वीडियो देखने से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। घर में पहली बात तो तुलसी अवश्य ही रखें।
तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए, और आज की वीडियो में हम ये सभी बात आपको बताने वाले हैं कि तुलसी की पूजा में हमें इतने अधिक लाभ कैसे मिल सकते हैं, तो उस जो है तुलसी की पूजा में हमें किस तरह की सावधानी रखें, कौन सा नियम पालन करें, जैसे कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है, दीपक जलाने की विधि क्या है, तुलसी में भोग लगाने की विधि क्या है, तुलसी का पौधा जो हम लगाते हैं इसे कब लगाना चाहिए, घर में कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी में शालिग्राम रखें या जो है शिवलिंग रखें, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और रविवार के दिन तुलसी की पूजा करें या ना करें, और करें तो कैसे करें, यह नियम और सावधानियां क्या हैं, ये सब जो है हम जानेंगे। अगर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर के हम आज इस वीडियो में आए हैं। तो ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए और जो है लाइक कर दीजिए, और हमारे को जो है हमारे वीडियो को आप शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। पूजा से संबंधित हम आपको जो है सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जो हम जिस तरह से जानते हैं वो हम आपको बताएंगे, और सभी जो है जानकारी आपको पूरा जोरा बताएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ये जो है हम आपको आज बताते हैं कि कैसे पूजा करना है, जो हम विधि बता रहे हैं इसको जो है आपसे ध्यान से सुनिएगा। और तुलसी माता का वर्णन तो कर ही नहीं सकते हम, कितनी महिमा है, अगर हम घर में रख लेते हैं जो निगेटिव एनर्जी है दूर भाग जाती है। तुलसी पूजा करने की विधि क्या है, तुलसी पूजा करने से क्या होता है और कब करना है, दोस्तों सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना है, और शादी के बाद जहाँ भी आपने जो है तुलसी रख दिया है, अपने आंगन में रखी है चाहे अपने बालकनी में रखी है, आपने तुलसी के पौधे के पास जाएं और पूजा की सामग्री सभी साथ लेकर के जाएं, और जाकर के तुलसी के पास वहाँ पर जो है रख दें, और सबसे पहले आपके पास एक जो है लोटा होना चाहिए जिसमें जल भरा हो, जो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और हल्दी होनी चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जो चीज़ आपके पास है वो सभी चीज़ें जो है लेकर जाएं, माँ के चरणों में अर्पित करके बैठ जाएं, सबसे पहले तुलसी माँ को प्रणाम करें, और प्रणाम करके और वहाँ पर एक आसन बिछा दें उसी के पास, और उसके ऊपर बैठ जाएं, और माँ तुलसी को जल जो है पहले थोड़ा सा डालना है, और जल अर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल कैसे अर्पित करना है, कहाँ पर करना है, ये जो है मैं ऊपर से ही जो है डालना है, कैसे करना है, तुलसी जल चढ़ाने की विधि क्या है, उसमें सबसे पहले आपको तुलसी की जड़ में ही जल चढ़ाना है, पहले ऊपर पत्तों से नहीं डाल देना है, नीचे से खाली जड़ में ही जल को अर्पित कीजिएगा, और यह जो है जल अर्पित करने के साथ साथ वहाँ पर जहाँ जगह है, जहाँ पर आपने तुलसी माता को विराजमान कर रखा है, तो आपको एक बार वहाँ पर जल अर्पित करना है। बाद में तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है, जैसे कई बार होता है कि तुलसी की जो हमने गमला रखा हुआ है या जहाँ लगाया हुआ है वो दीवार के साथ में, हम उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो तुलसी के चारों ओर नहीं घूम पाए जाए, तो जो है आप तुलसी जल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी को तीन बार परिक्रमा कैसे करेंगे, उसको जो है मन ही मन संकल्पित करके परिक्रमा कर सकते हैं, और नहीं तो गमला थोड़ा साइड में रखें, तो तीन बार परिक्रमा करना है तुलसी की जड़ में, आपको तीन बार जल चढ़ाना है, उसके बाद आपको पूरा जो जल है वो तुलसी के पत्तों पर, बाद में पूरे जो है तुलसी पर जल चढ़ा देना है, पर पहले अभी बार बार मैंने बताया कि जल को जड़ में ही चढ़ाना है ऊपर से नीचे तक, और लेकिन तीन बार जो सबसे पहले आप जल्दबाजी करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार गए और डाल दिया जल और चले गए,
तुलसी माता को विधिवत जो है श्रद्धापूर्वक पूजन करना है, वो तुलसी के जल में जो है अर्पित करना है। दूसरी चीज़ ये है कि तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है। तुलसी में जो है दीपक जो जलाते हैं हम जो है मंदिर में पूजा करवाते हैं जब, तो लोगों को बताते हैं, जैसे अब हम अपने एस्ट्रो राघव चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, तो क्या करते हैं लोग कि दीपक को तुलसी के जड़ में ही रख देते हैं। तुलसी के जड़ में रखने से क्या होता है कि जो तुलसी के जब पास जलाते हैं तो उसका पौधा छोटा सा होता है, ऊपर चुन्नी ढकी होती है, तो क्या होता है कि जब वो जला देते हैं दीपक, उसका जो सेंका निकलता है, जो ज्योति से लौ निकलती है, उसी से वो जो है तुलसी के पत्ते जल जाते हैं। कई बार चुन्नी में आग लग जाती है तो वो जल जाती है। फिर हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि अब तुलसी माता जल गई हैं, अब क्या करें। अरे तो इस प्रकार से आप लोगों को कोई भी ज्योत नहीं जलानी है। जो तुलसी के जड़ में रखने का मतलब है कि तुलसी माता को अर्पित करना है, एक बार उनको जो है अर्पित करना है। थोड़ा सा दूर रखिएगा क्योंकि वो तुलसी माता को सेका ना करे। कोई हमारी आरती उतारे और आरती उतार करके और दीपक हमारे नाक के पास रख दे तो ऐसा कैसा हमारे को लगेगा। इसलिए आप लोग इस बात को समझिएगा कि दीपक को कभी भी ऐसा जगह पे तुलसी जी के नहीं रखना जहाँ से उनके पत्ते और चुन्नी में आग लग सके, ऐसा जो है नहीं रखना है। इसको ऐसा करने से आपको पाप ही लगेगा। पर घी का दीपक प्रज्वलित करना है, अगर जो है तुलसी ऐसा कोशिश करना है कि तुलसी में हमेशा गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, उसी से विशेष लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और जिस घर में तुलसी में शुद्ध जो है गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, तो वो जो है बहुत ही पुण्यकारी होता है। अगर जो है आपको देसी घी नहीं मिले तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। संध्या काल का समय जो है घर में जो है धन की कमी का भाव नहीं होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया हूँ, पर ये सच्चाई है इसलिए मैंने ऐसा बता दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि सेका नहीं लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। संभव हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, भी मैंने बता दिया। तुलसी का दीपक आप जब भी कभी प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ आपको दीपक के नीचे थोड़ा आसन देना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए। अब आसन आप किस चीज़ का बिछाएंगे, कोई कपड़े का आसन नहीं बिछाना है, चावल का थोड़ा सा छिट्टा वहाँ पर डाल देना है, उसी के ऊपर दीपक रखते हैं और उसी को जो है हम आसन कहते हैं। अक्षत उसे कहते हैं जो चावल के दाने क्षतिग्रस्त नहीं हो, मतलब जो चावल के दाने टूटे नहीं हो उन्हें अक्षत कहते हैं। थोड़े से जो है ले लेना है वही अक्षत और दीपक के नीचे रख करके दीपक को प्रज्वलित करें। और इस तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं और ये जो चावल होते हैं जो अक्षत होता है, इसको हम धार्मिक कार्यों में भी प्रयोग करते हैं। जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं तो हम जो है अक्षत ही लेते हैं, उस किसी चीज़ में जो है चावल के टूटे से पूजा नहीं करानी है। और उसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है अगर हम साबत चावल चढ़ाते हैं तो। कभी भी जो है खाली दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, कहीं भी आप दीपक रखते हैं तो उसे आप जो है आसन अवश्य दीजिए। इस तरह का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मैंने दीपक एक बात जो है विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अगर आप प्रतिदिन दीपक का पूजन कर रहे हैं, दीपक जैसे रोज़ ही जला रहे हैं और मिट्टी का दीपक जला रहे हैं, तो आप उसी दीपक में जो है रोज़ ज्योत नहीं जला सकते हैं। मिट्टी का दीपक की तो बहुत ही महिमा है, ये सोने के दीपक के जैसा होता है, पर क्या है कि एक बार अगर इसमें जला दिया गया तो ये अशुद्ध हो जाता है इसमें, क्योंकि घी सोख लेता है अंदर, जूठा हो जाता है। जैसे हम कुल्हड़ में पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो जो है क्या होता है कि जूठा हो गया, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर मिट्टी का दीपक है तो रोज़ ही उसको आपको दीपक को बदल देना चाहिए। दीपक कभी भी एक बार से दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इससे अच्छा है कि आप कोई पीतल का दीपक ले लें या स्टील ले लें।
कोई भी दीपक आप ले लीजिए और उसमें जलाइए, और ध्यान रखिए कि उसको रोज़ साफ़ कर लेना है, अच्छे से धो लेना, उसके बाद ही दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो आपको पता ही है कि रोज़ जो है नया दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। तुलसी को भोग कैसे लगाएं? दोस्तों, तुलसी को आप मिस्त्री का भोग लगा सकते हैं, और किसका भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। और आप अगर कुछ होना, कोई भी मीठी वस्तु आप जो है माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आपके पास अगर समर्थ हैं तो जिस चीज़ का भोग चाहे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मिश्री या किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो तुलसी के जड़ में रखें। और कोई जो है बात का ध्यान रखना पड़ेगा पूजा में कि उस पात्र में ही रखें, और ढेर सारा अगर हम मिष्ठान जो है तुलसी की जड़ में डाल देते हैं तो उससे जो है तुलसी सूख जाती है। आपको ये सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पत्ता, और तुलसी का पत्ता जो है एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, इतवार के दिन, मध्यकालीन जो दोपहर के समय में और संध्याकाल या रात्रि में जो है नहीं तोड़ना होता है। तो इसको ग्रहण के जो समय लगा हो, जैसे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो इस दिन भी जो है तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता समय होता है उसका, किस दिन तोड़ना है, जो ये मैंने चीज़ें बताई इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, ये जो है बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर आप भगवान शालिग्राम को भोग लगाना चाहते हैं और आप जो कभी भूल गए हैं तो ऐसे जो है आप निश्चित तिथियों में भी पत्ता तोड़ सकते हैं, जैसे इतवार को भी और भी ये द्वादशी एकादशी जैसे बताया इस दिन भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जो है आप ज़्यादातर कोशिश यही कीजिए कि पहले से ही पत्ता तोड़ करके रखें। और अगर इन तिथियों में पत्ता तोड़ना है तुलसी माता से, तो अगर भगवान को भोग लगाना है, माता से प्रार्थना करना है कि माता हम जो है भगवान शालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए आपसे यह पत्ता ले रहे हैं, तो निश्चित ही हम जो है पत्ता तोड़ सकते हैं। और पहले से ही तोड़ के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आपको रोज़ शालिग्राम जी का भोग लगाना है, या ठाकुर जी को भोग लगाना है, श्री भगवान हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो आप पहले से ही तोड़ के रखिए। और कभी भी जो है ऐसा नहीं कीजिए, इन पत्तों का जो है पहले से रखे हुए पत्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको धो करके भगवान शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, गमले में जो है शिवलिंग नहीं रखना है, शालिग्राम जो है रख सकते हैं, शिवलिंग नहीं रखना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। शिवलिंग की पूजा जो है गमले में नहीं किया जाता है। शिव जी कृपा, गणेश जी की पूजा तुलसी पत्र में इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए जो है गणेश जी को भी तुलसी नहीं चढ़ती है, और शिव जी को भी तो गमले में नहीं रखना। लेकिन तुलसी में के गमले में शालिग्राम आप अवश्य ही रख सकते हैं, और तुलसी के गमले में शालिग्राम रखेंगे, भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं, इसे रख करके पूजा करें, अनन्य कोट फल की प्राप्ति होती है। और वहाँ रख करके अगर आप परिक्रमा कर लेंगे तो विष्णु जी की और जो है वृंदा की यानी तुलसी माता की परिक्रमा हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। हम लोग जो है बहुत ही श्रद्धापूर्वक जो है कार्तिक में कराते हैं, और ब्याह जैसे हमारे यहाँ जो है त्यौहार ये मनाया जाता है, तुलसी ब्याह मनाया जाता है। आप लोग भी अगर घर में तुलसी ब्याह जैसे करने के लिए, अब इतने घरों में तुलसी हैं तो हर मंदिर में हम पूजा कराते हैं, वहाँ पर ब्याह तुलसी माता का रखा जाता है, तो अगर आप घर में तुलसी रखे हैं तो उनको जो है दीपक जलाइए और चुन्नी और उस दिन श्रृंगार का सामान उनको चढ़ा दीजिए वहाँ पर, और माता से प्रार्थना कर दीजिएगा, उसका आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। और जब आप शालिग्राम तुलसी के पास ला करके पूजा करते हैं, शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने से, तो शालिग्राम को फिर वापस ला करके अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, तुलसी सूखने पर क्या करें, ये भी प्रश्न बहुत ही आता है। अब एक तो जलने का बताया, अब एक जो है तुलसी सूख जाती है, क्या करते हैं उसमें जल में जो है दूध मिला लेते हैं ढेर सारा, और खूब ढेर सारा उसमें जल चढ़ाते रहते हैं, तो वो जो है मिट्टी एकदम सड़ सी जाती है। तो मिट्टी जब एकदम वो हो गई तो वो सूख जाता है, इसलिए जल थोड़ा सा चढ़ाइए। और अगर मान लो किसी वजह से तुलसी सूख गई तो अब क्या करना है,
तुलसी अगर सूख गई है तो उस पे जो है एक आप झंडा लगा दीजिए, और झंडा लगा करके और जब तक झंडा वहाँ पर लगा रहे तब तक जो है वहाँ पर माता की जो है पूजा करना जो है बंद कर दीजिए, और बस झंडा लगा रहना चाहिए, क्योंकि गमला को खाली नहीं रखा जाता है। एक बात हम और आपको बता दें कि अगर आप घर में तुलसी रख रहे हैं तो एक तुलसी नहीं रखिए, आप जो है तुलसी के कम से कम 4-5 पेड़ जो है साथ में रखें, और साथ में रखने से क्या होगा कि एक तुलसी गमले की जो है आप पूजा कीजिए, और जो पूजा पेड़ की करेंगे उसका जो है पत्ता नहीं तोड़ना है, जो दूसरे पौधे हैं उनमें से आप जो है पत्ता तोड़ लें और उसी में से भगवान के भोग के लिए अर्पित करें, और औषधि के रूप में अगर जैसे चाय वगैरह में डालना है और पीना है तो वो जो है दूसरे पेड़ की जो है आप पत्तियां तोड़ करके पूजा कर सकते हैं, और जो है औषधि के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है जब तुलसी सूख जाए तो अगर एक सूख गई तब भी अपने पास और दूसरे गमले में लगी रहेगी, इसलिए आपका घर जो है कभी भी तुलसी से जो है खाली नहीं रहेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर कोई गमला सूख जाता है, तुलसी सूख जाती है, तो क्या करना है उसमें झंडा ही लगाना है, झंडा लगा कर के उसमें रखना है, और जब तुलसी माता को लाना है वहाँ रख देना है तो फिर झंडे को हटा देना है। और जब आप झंडा हटा देंगे, अगर आपके पास एक ही तुलसी होगी तो फिर आपका घर जो है खाली रहेगा, इसलिए आप जो है तुलसी के ढेर सारे पेड़ ही लगाएं, कम से कम 4-5 पेड़ जो मैंने बताया उसको लगाइएगा। रविवार के दिन जो है हम कैसे पूजा करें ये भी सवाल उठता है। अब जैसे रोज़ हम पूजा करते हैं तो इतवार वाले दिन जब हम दूसरे गमले में जल देते हैं तो तुलसी माता को जो है जल देने का दिल करता है कि इनको भी खाली रह जाएंगी, गर्मी का महीना है तो वैसे ही लगता है कि ये जो है मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा कभी लगे तो उनके जड़ में नहीं, दूर से ही जल डालोगे वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो पर यह है कि ऐसा एक दिन में कोई भी जो है तुलसी सूखती नहीं है, एक ही दिन का परहेज करना है आप इतवार और ये एकादशी द्वादशी और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो लगा होता है इसमें जो है थोड़ा परहेज कीजिए, और इतवार के दिन जो है तुलसी में जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, मना होता है। अगर ऐसे लगे कभी कि गमला बहुत सूख रहा है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं डालना है। और डालने का मतलब ये नहीं उसको टच करना ही नहीं है। अब पूजा कैसे करनी है, पूजा माता की पूजा करनी है, शाम को जो है आप वहाँ पर देसी घी का दीवा जो है जला देते हैं और उसको दूर से ही रख करके माता से प्रार्थना कर सकते हैं, बस छूना ही मना है और स्पर्श करना ही मना है, बाकी जो है दीपक जो है दूर से जला सकते हैं। तुलसी का दीपक जो है अवश्य ही प्रज्वलित करें संध्या काल में, जिससे जो है आप प्रार्थना करें जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में आप दीपक जलाइए, अवश्य ही जो है तुलसी माता आप लोगों पर कृपा करेंगी। और इस प्रकार से जो है सिर्फ जल ही नहीं डालना, पत्ते को नहीं तोड़ना, दीपक जला देना है, और बिना स्पर्श किए तुलसी के पौधे में जो है रोज़ ही दीपक आप जलाइए। और जैसे सवेरे आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ करके सबसे पहले जो है पूजा कीजिए, तुलसी में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि सूर्य निकलने के बाद में तुलसी का दीपक जो है नहीं जलाया जाता है, और लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले भी दीपक जला सकते हैं, नहीं तो शाम को जलाइएगा दीपक प्रज्वलित करके। दोस्तों तुलसी में कब हमें अपने घर में लानी चाहिए ये भी बहुत लोगों का सवाल है, तो ये जो है किस दिन लाना चाहिए कि हमारे को लक्ष्मी की कृपा हमारे को मिले और हमारा दिन जो है शुभ रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि रहे। तो जब घर में आप गमला लेकर के आएँ तो जो है तुलसी का, तो शुक्रवार के दिन लेकर के आइए, बहुत ही श्रेष्ठ होता है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है, महालक्ष्मी का रूप मान करके ही तुलसी को हमें अपने घर में प्रवेश में लाना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु की प्रिय हैं और लक्ष्मी स्वरूप ही इनको माना जाता है और इनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो दिन है गुरुवार का दिन है, गुरुवार दिन जो है विष्णु भगवान का खुद ही है, उस दिन भी तुलसी लगा सकते हैं।
और ये भगवान हरि को जो है बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन भी आप तुलसी लगा सकते हैं, जितने भी ये शुभ दिन हैं जैसे शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार के दिन ये सब तुलसी लगा सकते हैं, श्रेष्ठ दिन होते हैं। हमें जो है तुलसी अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए, ये भी सवाल उठता है। तुलसी हमें अपने घर में ईशान कोण में लगानी है। ईशान कोण किसे कहते हैं, अब आप लोगों को समझा देते हैं। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना होता है उसी को ईशान कोण कहते हैं, और ईशान कोण में जो है तुलसी का पौधा स्थापित करें, तुलसी का गमला रखें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, पूर्व में भी जगह नहीं है तो उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी है, बाकी आप कहीं भी जो है तुलसी माता वो जो है स्थापित कर सकते हैं। शुभ दिशा में जो है वहाँ पर आप तुलसी लगाइए, उत्तर दिशा में सबसे श्रेष्ठ होता है तुलसी लगाने के लिए। तो इस तरह आप जो है तुलसी को लगाइए। तुलसी को जल देने का मंत्र क्या है, मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हर आदित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते। इस तरह से मंत्र पढ़ करके बोलते हुए आप जो है प्रतिदिन माँ तुलसी के जल में जड़ में जो है जल अर्पित करिए। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपके जो है समस्त कार्य पूरे होंगे और पूरा पुण्य का फल आपको मिलेगा। दोस्तों अगर घर में तो हम किस तरह से नियम का पालन करना चाहिए, अगर हमारे घर में तुलसी है तो वहाँ पर हमें साफ़ सफाई बहुत ही रखनी चाहिए। जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा रखा है कोशिश करें किसी तरह की गंदगी ना हो, वहाँ पर कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और घर का कूड़ा कबाड़ वहाँ पर नहीं रखिएगा। पूरी तरह से घर को अपने साफ़ सुथरा रखिए। घर में वैसे ही जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो नहीं रखिएगा। अगर आपके घर में तुलसी है और नियम है और उनकी पूजा आप करते हैं तो आपको फल मिलेगा, अगर आप पूजा नहीं करते तो जो है आपको पाप के भागीदार होंगे। सुबह के समय जल्दी ही उठ करके शाम के समय वहाँ पर दीपक जरूर जलाइए। तुलसी के पूजा से हमें जितने लाभ होते हैं उतनी तुलसी के घर में रख करके पूजा न करने से हमें दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अगर तुलसी घर में रखी है तो उनको जल चढ़ाइए, उनको जो है नमस्कार कीजिए। अपने घर में जो है रखी गई तुलसी उसकी नियमित विधिवत पूजा अवश्य करें, साफ सफाई रखें, फिर तुलसी सभी प्रकार के आपको फल देगी और वो हमें जो है प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी माता की जो है हमें प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और भी बहुत सारी हमारी मनोकामनाएं जो हैं पूरी होंगी। मानव अपने जीवन में ये कल्पना कर सकता है कि वो सभी चीज़ों की तुलसी पूजा से प्राप्ति हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ज्ञानवर्धक है, इसलिए जो है हमने इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए। आप इसे सुनिए और जो है जैसे जैसे विधि बताई उस तरह से पूजा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माँ लक्ष्मी की आप लोगों पर कृपा बनी रहे, माँ तुलसी की कृपा बनी रहे, विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।